महिला की मौत के बाद जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही पर मृतका के परिजनों ने उठाए सवाल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे, परिजनों को दी समझाइश। रायसेन थाना कोतवाली के अंतर्गत माना गांव निवासी सितारा बी पति शफीक खान उम्र 38 वर्ष, छाती में दर्द घबराहट की शिकायत होने पर परिजनों ने रात 10 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। मरीज सितारा बी को ड्यूटी डॉक्टर ने जनरल वार्ड में भर्ती करके रखा। महिला मरीज के इलाज में लापरवाही के चलते मौत बुधवार को सुबह 5 बजे हुई। मृतिका के एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। इसके बाद सुबह 7:30 बजे सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी तहसीलदार अस्पताल पहुंचे और समझाइश की कोशिश करते रहे। ड्यूटी डॉक्टर बोले सितारा बी की तबीयत नॉर्मल है, जबकि सितारा बी मरने से पहले बोल रही थी मुझे बचा लो, छाती में तेज जलन और घबराहट हो रही है। फिर परिजनों ने डॉक्टरों से कड़ा, आप सितारा बी को ICU वार्ड में दाखिल करवा दे, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी और घोर लापरवाही की जाती रही और तबीयत नॉर्मल होने का बहाना बनाते रहे। रात भर उसे जनरल वार्ड में भर्ती करके रखा। आखिरकार महिला सितारा बी 38 वर्षीय ने सही इलाज न मिलने के अभाव में दम तोड़ दिया। रिश्तेदार सहित गांव की भीड़ जिला अस्पताल पहुंच गई। इस दौरान रिश्तेदार और परिजन डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही मनमानी के आरोप भी लगाए। वह बोले कि दोषी डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। इसके बाद परिजन बेफर पड़े। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने परिजनों के साथ धक्का मुक्की की और हक का लाठी बल भी प्रयोग किया। दूसरे फ्लोर के चैनल गेट पर ताला डाल दिया गया। फिर भी परिजन हंगामा करते रहे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मौके पर पहुंची तहसीलदार डॉक्टर हर्ष विक्रम सिंह, SDOP प्रतिभा शर्मा और कोतवाली TI संदीप चौरसिया ने परिजनों को समझाइश दी। अस्पताल में हंगामा लगभग 2 घंटे चला, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस दौरान परिजनों ने राजीनामा करते बोले कि ना हम डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। पलंगपुर भर्ती कुछ मरीजों ने बताया कि बुधवार को सुबह 5 बजे जब सितारा बी की मौत हो गई तो ड्यूटी डॉक्टर ने कार्रवाई से बचने के लिए नाटक दिखाया, उसे पलंग पर ले जाकर भर्ती कर दिया। मुर्दा को बोतल चढ़ा दी, ऑक्सीजन आदि लगाकर इंजेक्शन भी लगाए गए।